नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। ये एलोवेरा जेल का जो है शैम्पू बेस वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा है, कम से कम 20 मिनट का है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से घर से इसे बना सकते हैं। दोस्तों आपने मार्केट में देखा होगा कि एलोवेरा का जो जेल होता है वो मिलता है, तो मार्केट से आप एलोवेरा जेल मंगा सकते हैं, या फिर अगर आपको बनाने आता है जैसे कि मैंने सिखाया है पिछले वीडियो में, और आप लोगों ने अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही अच्छी तरह। उस वीडियो को देख के आप एलोवेरा का जेल जो है घर पे भी बना के उसको स्टोर करके रख सकते हो, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है प्रिजर्वेटिव ऐड करने के बाद वो जल्दी ख़राब होता नहीं है, और वो बालों में, शैम्पू में, क्रीम्स में ऐड करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स होता है। एलोवेरा का जो जूस होता है या एलोवेरा का जो जेल होता है, आप जानते ही होंगे दोस्तों कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, आप जानते ही हैं। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं जानते कि एलोवेरा क्या क्या फ़ायदा करता है, तो इसे आप विकिपीडिया पे या नेट पे पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही तरह से हमारे बॉडी को और बालों को फ़ायदा देता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आज एक इन्फॉर्मेशन आपको और बताना चाहता हूँ कि जो मैं ट्रेनिंग अरेंज करता हूँ उस ट्रेनिंग में सभी लोग आ नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं आ पाते हैं दोस्तों कि उनके पास से मेरे यहाँ की दूरी जो है ज़्यादा हो जाती है। केवल फ़ीस की ही बात नहीं होती है, उनको आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ जो है अरेंज करना होता है। इस वजह से उनका चार्जेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो किसी भी इलाके में, नए इलाके में जाना, वहाँ पर स्टे करना, वहाँ पर होटल बुक करके रहना, ये जो है सबसे खर्चीली चीज़ है। खाना पीना तो फिर भी एक जो है ईजी में हो जाता है, लेकिन दोस्तों आके यहाँ पर स्टे करना किसी होटल में, फिर उसके बाद आना जाना, तो ट्रेवलिंग चार्जेस, ये जो है आपके फ़ीस से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है आप लोगों के लिए। तो 15 जनवरी से मैंने ये नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास चालू कर रहा हूँ। तो इसमें आप लाइव जो है मेरे से जुड़ सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास में। रोज़ जो है 1 घंटे की बैच चलेगी, 15 तारीख से 25 तारीख तक ये बैच चलेगी। हर एक दिन नए प्रोडक्ट्स को मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और उसके बाद मैं जो है आपको मेरे लाइव चैनल का लिंक दूंगा। उस लाइव चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और लाइव चैनल से आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ बेनिफिट एक और है दोस्तों कि उस लाइव चैनल में आपके पास वो वीडियो सेव रहेगी, जो वीडियो मैं लाइव में बताऊँगा, लाइव चैट में आपको बताऊँगा, वो वीडियो भी आपके पास सेव रहेगी उस ऑनलाइन चैनल में। तो आप कभी भी जब आपको तकलीफ हो तो उस वीडियो को देख के आप अपना प्रोडक्ट जो है फिर से सॉल्व कर सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो मुझे जो है हमेशा आप कॉल कर सकते हो। याद रखिए 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में ये ऑनलाइन क्लास जो है चलेगी, तो आप 15 से 25 के बीच में जुड़ सकते हैं। 15 के बाद अब ऑनलाइन क्लास में जब जुड़ते हैं तो आपका नुकसान ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स मैं पहले कवर कर देता हूं उसे बाद में मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। तो कोशिश ये करिए दोस्तों आपके 15 के तारीख से और 25 तारीख के बीच में, यानी कि 15 तारीख से जुड़ जाइए ताकि 25 तारीख तक आपका जो प्रोडक्ट है वो कवर हो सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स की आपको ज़रूरत होगी, जो कि आपके सामने है। मैं एक एक करके इसे यूज़ करूंगा और आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं। आप उसी तरह अपने पास भी वो प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं, मैं भी अवेलेबल आपके लिए करवा दूँगा ये छोटे छोटे बैच में। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए, और इस पर आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होती है आपको। हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत छोटे फॉर्म में भी बता सकता था आपके लिए, लेकिन मैंने ओरिजिनल फॉर्मुलेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ आज का। ये ओरिजिनल फॉर्मुलेशन से आप अपने घर से इसे बना सकते हो, खुद प्रैक्टिकल करके आपका इजीली जो है प्रोडक्ट्स बन सकता है घर से भी। और एक चीज़ इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट पूरा जो है मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा का जो शैम्पू होता है उसके जैसा ही होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है स्टील के बॉल्स ले लेंगे, आपको भी लेना है 2 स्टील के बॉल्स अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो। इसके अंदर जो है हम अलग अलग 2 प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हम आधे रखेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हम आधे रखेंगे। दोनों को हम अलग अलग जो है गर्म करेंगे, ताकि जो है दोनों प्रोडक्ट्स आपस में मिक्स ना हो, और इसे लास्ट में हम मिक्स करेंगे मेल्ट करने के बाद, क्योंकि इसका यही प्रोसेस भी होता है। कुछ जो इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिसे पूरी तरह मेल्ट होने के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि ज़रूरत नहीं उसे मेल्ट करने की, वो ईजिली मेल्ट हो जाते पानी में। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम एक एक करके 2 बेसल्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे।
याद रखिए दोनों प्रोडक्ट्स को लास्ट में मेल्ट करके यूज़ करिएगा, आपस में मिक्स करिएगा, पहले मिक्स मत करिएगा। इसमें हम सबसे पहले लेंगे सैट्रिक एसिड, सैट्रिक एसिड को हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक आप चम्मच ले सकते हो, चम्मच के जरिए इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि छोटा बैच बना रहा हूँ तो मैं चम्मच से यूज़ करूँगा। आप भी अगर छोटा बैच बना रहे हो तो चम्मच को ही यूज़ करें। क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको इसका रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल जो है मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगा छोटी क्वांटिटी में। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में इसका काम करना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट आपके लिए स्पेशल जो है जगह बचा ही है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करेंगे वो है सेट्राइल अल्कोहल। मैंने जो है 2 चम्मच डाला था सेट्रिक एसिड, अब इसमें जो है मैं आधा चम्मच और आधा चम्मच, यानी कि 1 चम्मच पकड़ सकते हैं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सेट्राइल अल्कोहल को। दोनों के काम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसका वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। अगर इसके काम के बारे में बताऊँगा तो उसका मैं और समय लगेगा। तो अगर आपने मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं देखा है सेट्रिक एसिड के बारे में या सेट्राइल अल्कोहल के बारे में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सबके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कोकोमोनो। आप देख सकते हैं कोकोमोनो कुछ मोम के जैसे दिखाई देता है, और इसे जो है थोड़ा सा येलोइश कलर में ये होता है, तो इसे भी हम यूज़ करेंगे। इस प्रोडक्ट्स को भी हम यहाँ पे 1 चम्मच के तौर पे यूज़ करेंगे। मैं 2 चम्मच ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये समझ लीजिए 1 चम्मच के बराबर हो चुका है। आप इसे जो है 1 चम्मच ले सकते हैं। ये है कोकोमोनो। कोकोमोनो यूज़ करने के बाद आप इसके अंदर जो है एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हर एक वेसल्स में हम 4-4 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने वाले हैं, और एलोवेरा का जो जेल है उसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो हमारा एलोवेरा का जेल है उसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे, उसे पहले यूज़ नहीं करेंगे। जब हमारा दोनों वेसल का प्रोडक्ट आपस में मिक्स हो जाएगा गर्म होने के बाद, तो हम एलोवेरा का जेल को यहाँ पे मिक्स करेंगे, उससे पहले मिक्स नहीं करेंगे। इसमें बाद हम इसमें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ईवैक्स, यानी कि एमल्सीफाइंग वैक्स। एमल्सीफाइंग वैक्स के बारे में आप जानते होंगे, इसका अगर वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है तो इसके वीडियो को मैं कल जो है अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि इसका काम क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। और इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 चम्मच बड़े चम्मच से। अभी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रखे हैं। सेट्रिक एसिड जो है हमारा यूज़ हुआ है, इसके बाद कोकोमोनो यूज़ हुआ है, इसके बाद हमने सेट्राइल अल्कोहल यूज़ किया था, और लास्ट में हमने इमल्सीफाइंग वैक्स को यहाँ पे यूज़ किया था। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सेकेंड वेसल को ले लेंगे। फर्स्ट वेसल का 4 इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर ही रखा है, अब सेकेंड वेसल में एक एक करके 4 इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करेंगे। धीरे धीरे सभी इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो लेंगे प्रोडक्ट्स वो है एसएलएस। एसएलएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम लोराइल एथिल सल्फेट। ये एक सफोकेंट का काम करता है, यानी कि एक फोम बूस्टर होता है और बेस इंग्रेडिएंट्स होता है। ये दोनों में ही काम करता है, यानी कि फोम बूस्टिंग में और बेस इंग्रेडिएंट्स में दोनों में काम करता है। और ये जो है हर एक शैम्पू, हर एक साबुन, हर एक हैंड वॉश, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, यहाँ तक कि जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपको फोमिंग दिखाई देती है, सब में एसएलएस को एज ए बेस इंग्रेडिएंट्स और साथ ही साथ फोम बूस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्लीनिंग एजेंट कुछ भी नहीं होता है, केवल केवल फोम बूस्टिंग का काम करता है और जो है थिकनेस प्रोवाइड करवाता है, साथ ही बेस इंग्रेडिएंट्स का काम करता है। इसके बाद इसमें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ईजीएमएस। ईजीएमएस जो है पर्ल पाउडर और वाटनर का एक फॉर्म होता है। यहाँ पे हम जो है ईजीएमएस को यूज़ करेंगे। एक हिसाब का ये साइनर होता है, जो कि शैम्पू में आप देखे होंगे कि साइनिंग जो दिखाई देती है बहुत ही अच्छी खासी, वो इसी से मिलती है। अभी तक तो देखे होंगे यूट्यूब पे चैनल पे ईजीएमएस का नाम किसी ने नहीं लिया है, और इस वीडियो को हो सकता है देखने के बाद कुछ यूट्यूबर इस वीडियो को देख के अपने चैनल पर भी अपलोड करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम ईजीएमएस जो है 1 चम्मच यूज़ कर रहे हैं। ईजीएमएस जो है साइनिंग और मॉइस्चराइजिंग दोनों का काम करता है। ईजीएमएस यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे जो है 3rd इंग्रेडिएंट्स जिसे EDTA कहा जाता है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है आज में, तो आप उसे भी देख लीजिएगा आज के वीडियो में कि EDTA का काम क्या होता है। EDTA जो है बॉन्डिंग का काम करता है, किसी भी ऑयल और वाटर को जो है एक साथ जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, उस प्रिजर्वेटिव को बचाए रखने के लिए, इसका काम जो है बढ़ाने के लिए, साथ ही हम कोई परफ्यूम ऐड करते हैं उसको परफ्यूम को ज़्यादा टाइम तक स्टे करने के लिए प्रोडक्ट्स के अंदर EDTA को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों EDTA का मेन काम यही होता है कि आपके सभी प्रोडक्ट्स को एक बॉन्डिंग करके रखने का काम करता है, ताकि एक दूसरे से कोई प्रोडक्ट्स अलग ना हो जाते हैं और वो सेपरेशन भी नहीं देते हैं।
इसके बाद हम जो है इसमें मिथाइल पैराबिन को यूज़ करेंगे। मिथाइल पैराबिन के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। मिथाइल पैराबिन एक प्रिजर्वेटिव होता है जो कि आपके प्रोडक्ट्स को ख़राब होने से रोकता है, यानी कि आपके पानी को ख़राब होने से रोकता है। तो मिथाइल पैराबिन को यूज़ इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि ये कॉस्मेटिक ग्रेड में यूज़ किया जाता है मिथाइल पैराबिन। यहाँ पर BKC को हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर मिथाइल पैराबिन को यूज़ करेंगे। मिथाइल पैराबिन जो है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, आप देखें अभी तो ये जल्दी घुलता नहीं है, तो इसलिए इसे हम गर्म करते हैं पानी के साथ। और यहाँ पर पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर। तो यहाँ पे हमने 5 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने 5 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया, जिसमें से EDTA था, मिथाइल पैराबिन था, रोज़ वाटर है, इसके बाद हमने यहाँ पे SLES यूज़ किया है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो दोस्तों कि इस दोनों इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमने यूज़ किए अभी तक, इन सभी को हमको जो है हीट करना ही करना है। विदाउट हीट किए हुए आपस में ये मेल्ट नहीं होंगे। और लास्ट में हम इसमें यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल। और इतने जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं ये दोनों अलग अलग वेसल में यूज़ किए हैं, तो अभी से हम हीट कर देंगे। गैस बर्नर पे आप देख सकते हो दोनों वेसल को मैंने रखा है। पहले मैं हीट करूँगा जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमने पहले कटोरी में डाल रखा था, उसे पूरी तरह मेल्ट करने के बाद फिर मैं दूसरे वाले को हाथ लगाऊँगा उस पर ऊपर, फिर मैं मेल्ट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम जो है फर्स्ट वाले को मेल्ट करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स का कटोरी का था उसे हमने पूरी तरह मेल्ट कर लिया है। इसमें थोड़े थोड़े दाने बचे हुए हैं, वो थोड़ी देर में पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगे। आप इस वेसल को बंद कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह जो है मेल्ट होके मिक्स हो जाए। इसे अच्छी तरह मिक्स भी करने के लिए आप इसे हिला भी सकते हैं ताकि ये जो है मेल्ट नहीं हो रहा होगा तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। इसे मेल्ट कर लेने के बाद आप इसे साइड में उतार दीजिए और सेकेंड वेसल को जो है हीट कर लीजिए ताकि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएँ। यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप कि पूरी तरह सभी इंग्रेडिएंट्स मेल्ट हो चुके हैं, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स बाकी नहीं है। तो इसे हम साइड में उतार के रख देंगे ताकि दूसरे वाले वेसल को हम इस पर गर्म कर सकें और उसे भी पूरी तरह मेल्ट कर सकें। दोस्तों इस वेसल में हमने रोज़ वाटर, SLES, EGMS, EDTA इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया हुआ है, तो इसे भी जो है हम हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद इसे जो है मेल्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें जो EGMS है जल्दी मेल्ट होता नहीं है। कुछ लोगों जानते भी होंगे कि EGMS को अगर हम पानी के साथ मेल्ट करते हैं तो मेल्ट नहीं होता है, यानी कि हमारा जो साइनर होता है वो ख़राब दिखाई देने लगता है। तो इसे जो है मेल्ट करने के लिए इसे जो है बॉयल कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो यह जो है आसानी से मेल्ट हो जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे पूरी तरह मेल्ट हो रहा है। अब इसमें जो क्रिस्टल क्लियर जो नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें जो है EGMS जो है ये आपका क्रिस्टल क्लियर होने नहीं देगा आपके प्रोडक्ट्स को, क्योंकि EGMS एक ऐसा प्रोडक्ट्स होता है जो कि साइनर और वाइटनर का सब्स्टिट्यूट होता है। इस वजह से ये साइनिंग प्रोवाइड करता है और वाइटनेस जो होती है, वाइटनर जो होता है वो आपके ट्रांसपेरेंसी जो है किसी भी प्रोडक्ट्स की वो ख़त्म कर देता है। यानी कि आप दो वेराइटी के प्रोडक्ट्स देखते होंगे मार्केट में, एक ट्रांसपेरेंट शैम्पू और एक जो है जो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देते हैं वो शैम्पू। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देगा वो शैम्पू है। यहाँ पे हम लोग जो है इस EGMS इसलिए यूज़ किए हैं कि ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर सके। फर्स्ट कटोरी वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने हीट कर रखा था वो सेकेंड वाले प्रोडक्ट्स में हम डाल देंगे इस समय, और इसमें फिर मेल्ट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो है इसमें अच्छे से और आसानी से मेल्ट हो जाए। और हम अपने गैस बर्नर को इस समय बंद कर देंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे याद रखिएगा दोस्तों, अच्छी तरह मिक्स करते रहिएगा, मिक्स करना छोड़िएगा नहीं। जब तक ये गर्म है तब तक आपको मिक्स करते रहना है, नहीं तो इसके थक्के बन जाएंगे छोटे छोटे और आपका प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कितने अच्छी तरह मेल्ट करते हैं, कितनी अच्छी तरह इसे फिर बाद में मिक्स करते हैं। दोस्तों इस प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिक्सिंग का प्रोसेस आप छोड़िएगा नहीं। याद रखिएगा कि आपने अगर मिक्स करना है, प्रोडक्ट को अच्छी तरह बनाना है तो इसे मिक्स ज़रूर करते रहना, नहीं तो आप इस तरह जो है मेल्ट करके छोड़ देंगे तो आपका प्रोडक्ट्स पक्का है कि ख़राब हो जाएगा। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान जरूर दीजिए, और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने का। मिक्सिंग प्रोसेस जो है लास्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इस समय जो हमारा प्रोडक्ट जो है देख सकते हो कि पूरी तरह मेल्ट हो चुका है और मिक्स भी हो चुका है दोनों इन्ग्रीडियंट्स दोनों वेसल्स के। तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे उतार लेंगे और नीचे उतार के भी थोड़े समय के लिए मिक्स करेंगे ताकि जो है इसमें थक्के ना बने। थक्के बनने पर क्या है, प्रोडक्ट्स हमारा ख़राब होने का चांसेस जो है ज़्यादा हो जाता है, तो इस पे बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। अब हम इसे नीचे उतार चुके हैं और नीचे जो है इसे मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है और गाढ़ा प्रोडक्ट बना हुआ है। इसमें अगर आप शैम्पू के तौर पे देख रहे हैं तो ये बहुत ही गाढ़ा प्रोडक्ट है। इसमें नमक यूज़ करनी है, न कोई और इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है गाढ़ा करने के लिए। हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी गाढ़ा है और मार्केट में मिलने वाला शैम्पू के जैसा ही है।
तो इस समय जो है हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट्स कुछ डाउक की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट्स को इस तरह रखना चाहते हो, इसमें कोई भी कलर कोई ऐड ना करें, अगर आपको इसमें कुछ इस तरह नहीं दिखाना है तो आप इसमें जो है कलर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पीएच मेंटेन करेंगे इसका, कि हमारा पीएच जो है प्रोडक्ट्स का कितना है। तो पीएच वैल्यू देख लेते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की कितनी है। मेरे हिसाब से इसकी पीएच वैल्यू जो है येल्लो आएगी, यानी कि 5 या 6 आएगी। आप देख सकते हो कि हमारा पीएच वैल्यू जो है येल्लो है, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है पीएच पेपर पे, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है यूज़ करने लायक सही है। यानी कि हमारा पीएच पेपर पे इसका वैल्यू जो है 6 आ रही है। पीएच वैल्यू 6 का मतलब होता है दोस्तों कि आपका प्रोडक्ट जो है इस समय बहुत ही अच्छा बन चुका है, आपको पीएच मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, पीएच जो है बहुत ही अच्छा आया है हमारा, आप इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर इसका पीएच ऊपर नीचे होता है तो सेट्रिक एसिड्स के वजह से हम इसे मेंटेन करते हैं, सेट्रिक एसिड जो है हमारा यूज़ करके हम इसे मेंटेन करते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा पीएच वैल्यू बहुत बढ़िया आया है, 6 आया है, तो हम इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि आपका पीएच वैल्यू जो है 6 यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि पीएच पेपर पर कोई भी चेंजेस नहीं आया कलर में, तो हम इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट्स को अगर इसी तरह रखना है तो आप इसी तरह रखिए मिल्की तरह, या फिर अगर आपको इसमें कलर यूज़ करना है, ये तो डव का कलर हो गया, अगर आपको कलर में ऐड करना है तो आप इसमें ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे हमारा एलोवेरा का जेल। आपने देखा होगा कि मैंने कहा था लास्ट में कि जब एलोवेरा का जेल जो है हम लास्ट में यूज़ करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट से पूरी तरह ठंडा हो जाए, तो उसके बाद, तो अब यहाँ पर हम एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बड़े चम्मच से, ताकि जो है हमारा प्रोडक्ट जो है एलोवेरा की जो खूबी है उसमें हो सके और वो उतना बेनिफिट दे सके जितना बेनिफिट की हमें रिक्वायरमेंट है एलोवेरा से। इसे यूज़ करने के बाद इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि मिक्सिंग प्रोसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिक्सिंग अगर आपके प्रोडक्ट का नहीं हो पाता है तो आपका प्रोडक्ट जो है थक्के बना देता है, जो कि बहुत ही ख़राब हो जाता है बाद में। अब जो है हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यहाँ पे एलोवेरा के जो जेल को है, हम अपने प्रोडक्ट्स में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसे में कलर डालेंगे। परफ्यूम एज ए ऑप्शनल होता है, अगर आप परफ्यूम यूज़ करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कोई भी परफ्यूम जो है यूज़ कर सकते हैं, यानी कि परफ्यूम जो है लास्ट में यूज़ करना है, पहले यूज़ नहीं करना है। और जब भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स को आप लेते हैं गर्म करते हैं तो उसमें परफ्यूम को यूज़ ना करें। परफ्यूम ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो जलने के बाद ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है, और गर्म होने के बाद वो उड़ जाता है। तो लास्ट में ही आपको यूज़ करना है, जब आपका प्रोडक्ट्स पूरी तरह बन जाए, ठंडा हो जाए, आप उसे जो बॉटलिंग करने जा रहे हैं या रिफ़िल करने जा रहे हैं, तब उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। क्योंकि जो परफ्यूम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि स्टे करता है लॉन्ग टाइम, और उसी की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा दिखाई देता है और उसकी जो है फिनिश अच्छी आती है। तो इसे पहले यूज़ नहीं करना है कभी भी, याद रखिएगा, परफ्यूम हमें लास्ट में यूज़ करना है। कलर हम जो है लास्ट में पूरे प्रोडक्ट्स मिल जाने के बाद, मिक्सिंग होने के बाद यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है एलोवेरा जेल पूरी तरह हमारे शैम्पू में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, हमने बहुत ही अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम लास्ट इन्ग्रीडियंट्स इसमें यूज़ करेंगे जो कि कलर होता है। यहाँ पर हम कॉस्मेटिक के कलर को यूज़ करेंगे। कॉस्मेटिक कलर एक ऐसा कलर होता है जो कि केवल और केवल कॉस्मेटिक बेस के कलर प्रोडक्ट्स में यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम कॉस्मेटिक बेस के जो है कलर को यूज़ करेंगे। लिक्विड फॉर्म वाले कलर को यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि वो जो है आसानी से जो है डाइल्यूट हो जाता है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पे केवल और केवल हम एक बूंद प्रोडक्ट्स को कलर डालेंगे, और एक बूंद देने के बाद आप इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक बूंद जो है इनफ होता है। यहाँ मुझसे 2 बूंद जो है कलर गिर चुका है, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट जो है ठीक ही बनेगा। आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्सिंग करने के लिए भी उसे भी आराम से धीरे धीरे मिक्स करिए, ताकि इसमें बबल्स वगैरह ना आए। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है मिक्सिंग होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और अगर आपको इससे गाढ़ा कलर चाहिए होगा तो आप इसमें जो है कलर की मात्रा बढ़ा दीजिए। ये अभी लाइट ग्रीन है जो कि थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। आप इसमें अगर अच्छा प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, अच्छा कलर देना चाहते हैं, तो इसमें कलर की मात्रा बढ़ा दीजिए। मेरे हिसाब से मैं छोटा ही कलर यूज़ करता हूँ, थोड़ा ही कलर यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने कलर को यूज़ कर सकते हो, कम और ज़्यादा में, आपको जिस तरह पसंद आए कलर। मैं कम ही कलर यूज़ करता हूँ हमेशा, मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है। आप लोग अगर डार्क कलर बनाना चाहते हैं तो इसमें कलर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरह बन के रेडी हो चुका है। जैसे मार्केट में एलोवेरा का जेल का जो शैम्पू बनता है, उस तरह आपका प्रोडक्ट जो है बन चुका है। कलर में थोड़ी डिफरेंस हो सकती है, तो आप कलर अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिए, जो कलर आपको लगे वो कलर में आप इसे मिक्स करिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए EGM इसको हटा दीजिए, ताकि ये पूरी तरह जो है एलोवेरा जैसा ही दिखाई दे। बनने के बाद दोस्तों, इस प्रोडक्ट की खासियत ये हो जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है आपके मार्केट जैसा दिखाई देता है, मार्केट जैसा यूज़ करने पर आपको रिजल्ट देता है। हाँ, कलर में थोड़े से चेंजेस है, आप अपने हिसाब से इस कलर को मेंटेन करिए। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, जो भी रॉ मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किए हैं,
वो पूरी तरह से ब्रांडेड कंपनी में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल ही हैं जो लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।